नियर बाई ताजमहल, नियर बाई आपका प्रतापपुरा, नियर बाई अजमेर रोड, नियर बाई एमजी रोड, ये सारे रोडों को ये कनेक्ट करता हुआ बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाका है। यहाँ से रोज़ाना ख़ास तौर से लॉकडाउन के पहले बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे ट्रैवलर्स आया करते थे यहाँ पर। ख़ास तौर से आप देख सकते हैं ये अशोक ट्रैवल है, शक्ति ट्रैवल है, श्री ट्रैवल है, श्री केला ट्रैवल, पूरी मार्केट ही ट्रैवल्स की है। ख़ास तौर से इन लोगों को यहाँ पर जब हम लोगों ने स्थानीय लोगों से बात करी, इन्होंने बताया इस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर से हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी टाइप की हमें ना तो टैक्स में छूट दी गई है और ना ही कुछ दी गई है। बसों में जाके देखा तो कूड़ा जम रहा है। आइए उन लोगों, स्टाफ के यहाँ पर लोग खड़े हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बस मालिक भी लोग खड़े हुए हैं, बस का स्टाफ भी खड़ा हुआ है। आइए सारे ये देखिए पूरी लाइन से पूरी एजेंसियाँ हैं जो अपने अपने ट्रैवल एजेंसी जो चलाते थे, इनका कहना है कि सालों तक की हमारी गाड़ी गई बाहर से, ना तो अभी फॉरनर आएगा, और शादी में 50 लोगों की ही कहीं 30 लोगों की परमिशन मिलती है, ऐसे में कौन बस लेके आएगा, कैसे हमारे घर के खर्चे चलेंगे, किस टाइप से हम जो है बर्दाश्त करेंगे। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुन्ना है। आप क्या बस चलाते? बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं? ड्राइवर हैं, हम गाड़ी नहीं चला रहे, हमें तनख्वाह कहाँ से मोटर मालिक देंगे। कितने आपके जब से लॉकडाउन हो गया है, अभी आगे बढ़ना जैसे 30 जून तक है, बसें नहीं चलेंगी, तो आप लोग क्या क्या काम करते हैं आप लोग? श्री केला ट्रैवल से टूरिस्ट प्रोसेस का हम लोगों का काम है। ये बताइए इस वक्त खास तौर से कंडीशन लॉकडाउन की वजह से पूरा देश क्या अधिक पूरी दुनिया ही परेशान है, और इस वक्त खास तौर से जो अनलॉकडाउन वन का जो नाम दिया गया है, ऐसी कंडीशन में पता चल रहा है कि कारोबार से लोग परेशान हैं, आप लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? नहीं, हम लोगों का तो जो मेन बिजनेस ही जो है वो गैदरिंग का बिजनेस था, मतलब अगर टूरिस्ट बिजनेस, मैरिज पार्टी वगैरह अगर ये लोग ये ही नहीं चलेंगी, और अनलॉक में इसकी प्रॉपर तरीके से छूट भी नहीं दी गई है, क्योंकि उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा कारण भी है, तो उसकी वजह से ये बिजनेस और इस महामारी की वजह से ये टूरिस्ट बिजनेस या ब्याह शादियों का बिजनेस वो अभी साल 6 महीने कम से कम चलने की स्थिति में नहीं है। ऐसी कंडीशन में टैक्स वगैरह पे करने के लिए आपको कुछ ऑर्डर? नहीं, हम लोगों ने तो कल भी जो है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है माध्यम आरटीओ साहब के माध्यम से, और भी अब टैक्स हुए, अब खड़ी गाड़ियों का टैक्स तो भैया कहीं कोई भी नहीं दे पाएगा, लेकिन हम लोगों ने उनसे डिमांड की है, जैसे और राज्यों में डिमांड मांग मानी गई है, और किसी राज्य ने 6 महीने, किसी ने 4 महीने का, तो हम लोगों ने भी 1 साल की टैक्स की राहत की मांग की है। नहीं, अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं है, और हालांकि हमारा संगठन जो है काफ़ी पूरे उत्तर प्रदेश के लेवल पर काफ़ी प्रयासरत है। अगर बाय चांस अगर आपकी पटरी गाड़ी नहीं आती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर आप लोग लगते हैं तो क्या नहीं करेंगे? हम लोग तो भैया अब इस समय तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये है कि हम अपनी संगठन को और मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और फिर अगर माननीय मुख्यमंत्री से बात नहीं बनती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपनी अपील को करेंगे। मोहम्मद इरशाद। क्या काम करते हैं? बस का ट्रैवल्स का काम है हमारा, श्री ट्रैवल्स। तो श्री जो ट्रैवल्स है, क्या तो जब से लॉकडाउन हुआ है इसके पहले से आपकी बसें नहीं चल रही हैं या लॉकडाउन के बाद बंद? उसके टाइम से ही गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल गाड़ियों में स्टार्ट भी नहीं हुई, जब से स्टाफ परेशान अलग कर रहा है तनख्वाह के लिए, गवर्नमेंट अलग टैक्स मांग रही है। तो गवर्नमेंट का आर्डर है कि घर बैठे लोगों को तनख्वाह दें, ऐसी कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं करेंगे, भीख मांगेंगे, याद हफ्ते करेंगे सरकार के सामने बैठ के, खाने को नहीं मिलेगा तो गाड़ी चल नहीं पा रही, और चलें कुछ चलें तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा रखी है कि 25 सवारी 20 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठेंगी, बारात 50 से ज़्यादा नहीं होगी, बस में तो 50 बैठ जाएंगे तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख़त्म हो जाता, हम तो उसमें उसके दायरे में हम फंस रहे हैं। टूरिस्ट का तो पता ही नहीं है, अगर काम भग गया या तो चंदा करो या धंधा करो, तो यही रह गया हमारा काम। सुनने में आया कि आप लोगों ने कल जो है तो मुख्यमंत्री जी को जहाँ पर आपने जो है आरटीओ में जाकर ज्ञापन दिया है, तो क्या उसके बारे में क्या आपकी मांगे क्या हैं? मांगे वही है कि हमारा जो कम से कम 1 साल का टैक्स माफ़ किया जाए, और जो बीमा है उसको आगे बढ़ाया जाए, और बाकी का जो थोड़ी जो भी हेल्प हो वो हो जाए, पहले नंबर तो टैक्स ही माफ हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। लंबी लाइन थी।
भारत दर्शन शर्मा पैरों पर ध्यान करना है, पैरों की मिट्टी हो गई खाने वाले की सूचना आते हैं पहचाना नहीं मैं बालू में तो मैं पप्पू बैटरी वाले हैं छोटा भाई हूँ तुम्हारी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।